हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है गूगल जी बोर्ड पर और व्हाट्सएप पर कि किस तरह से हम गूगल जी बोर्ड को व्हाट्सएप में यूज़ में ले सकते हैं और गूगल जी बोर्ड को इंस्टॉल करते हुए उसमें किस तरह से हमारी सेटिंग करनी है और उसको फिर बिल्कुल बहुत ही हाई टेक तरीके से हम व्हाट्सएप के लिए यूज़ में लेंगे। सबसे हम पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे हम गूगल प्ले में हम सर्च करेंगे जी बोर्ड। जब जी बोर्ड सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये जी गूगल का जी बोर्ड कीबोर्ड आ जाएगा। हमें इसको इंस्टॉल करना है। आप इसको इंस्टॉल करें। ये देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको ओपन कर लें और इसकी क्या क्या सेटिंग करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से ये आपका ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी। अनेबल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ये गूगल जो जी बोर्ड है इसकी सेटिंग को ऑन कर देना है। ये देखिए, ये आपको से ऑन कर दिया। इसके बाद ये सिलेक्ट इनपुट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से जी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसको परमिशन देनी है। ये सेट परमिशन पे आपको क्लिक करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसको डन करना है। दोस्तों, ये सेटिंग करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में लैंग्वेज पे क्लिक करना है। हमारी जो लैंग्वेज है वो हमें ऐड करनी है। इंग्लिश डिफ़ॉल्ट है ही, इसके अलावा मुझे हिंदी लैंग्वेज ऐड करनी है। यहाँ ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज ले लूँगा। ये देखिए, ये हिंदी है। अब हिंदी में दो लैंग्वेज है, एक हिंदी एक इंग्लिश। एक तो हिंदी जो हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं वो, और इंग्लिश होती है हिंदी इंग्लिश का मिक्स। मैंने यहाँ से हिंदी ले लिया और मैंने किया डन। ओके, अब मैं वापस से लैंग्वेज में बैक आ जाऊँगा। बैक में आने के बाद मुझे अब प्रेफरेंस की सेटिंग करनी है। ओके दोस्तों, अब ये मैंने प्रेफरेंस की सेटिंग की। प्रेफरेंस में मैं, याद रखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे 100 लैंग्वेज स्विच की भी ऑन होगी मेरी और वॉइस इनपुट की भी ऑन होगी दोस्तों। इसके अलावा मैं इसमें और कोई सेटिंग नहीं कर रहा। आप करना चाहें तो इसकी थीम वगैरह कई सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। ये वॉइस टाइपिंग भी है वगैरह, आप इनको भी कई तरह से यूज में ले सकते हैं। अब मैं इसको, मैंने ये मेरी सेटिंग हो चुकी है, अब मैंने इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब दोस्तों, अब हम इसको व्हाट्सअप में कैसे यूज में लेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जब अब मैं मेरा व्हाट्सअप अब ओपन करूँगा दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप मैंने ओपन किया। मैं मेरे किसी फ्रेंड के साथ चैटिंग करने के लिए जब मैं मेरा कीबोर्ड ओपन करूँगा, ये टाइप ए मैसेज पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे मेरे कीबोर्ड का लुक पहले से थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि ये टाइप के नीचे एक छोटी सी बार आ गई है जहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये जी, गूगल का जो जी होता है वो लिखा हुआ है और लास्ट में भी एक माइक है। दूसरी चीज, अब ये कीबोर्ड हमारा गूगल का कीबोर्ड है, हम इसको व्हाट्सएप में कैसे यूज़ में लेंगे ये मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। सबसे, जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जनरल हम क्रोम में जाके, ब्राउज़र में जाके, वो सारी चीज़ हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, जब मैं यहाँ पे इस जी पे गूगल वाले जी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करता हूँ, ताजमहल, ये ताजमहल, तो आप देखेंगे जो ताजमहल की डिटेल इंटरनेट ब्राउज़र पर आती थी वो सारी डिटेल मुझे यहाँ मिल जाएगी। और मैं इस डिटेल को मेरे जिस फ्रेंड के साथ मैं चैटिंग कर रहा हूँ उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ताजमहल है, ये ताजमहल का डायरेक्शन है, ये ताजमहल के बारे में और बाकी डिटेल है, और ये ताजमहल की इमेजेज है जो कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। कैसे शेयर करूँगा, मुझे इस इमेज को थोड़ी सी देर टैप करना है, यानी उंगली से प्रेस करना है, और उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये इमेज मेरे दोस्त को सेंड हो जाएगी। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। दूसरी चीज़, जो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई, आप किसी का कोई भी एड्रेस, आप आपके दोस्तों को किसी डॉक्टर का एड्रेस, किसी शॉप का, कॉलेज का एड्रेस ये सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं, मान लीजिए, किसी डॉक्टर अशोक या डॉक्टर सॉरी दोस्तों, मैं, मुझे यहाँ टाइप नहीं करना, मुझे यहाँ जी पे, यहाँ पे टाइप करना। मैंने यहाँ टाइप किया डॉक्टर रेखा जैन जयपुर।
मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, रियल में डॉक्टर है, ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं हो आप, मैं मेरे दोस्त को इनका एड्रेस सेंड कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे गूगल के इस पे सर्च किया, जब मैं इस पे शेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए डॉक्टर रेखा जैन का एड्रेस वगैरह वगैरह डायरेक्ट मैं मेरे दोस्त को सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सेंड नहीं करना, सिर्फ मुझे आपको ये बताना था। ओके, अब मैं वापस से बैक आ जाता हूँ, मैंने ये बैक पे क्लिक कर दिया, मुझे सेंड नहीं करना। इस तरह से मैं उनका लोकेशन वगैरह ये सब मैं सेंड कर सकता हूँ, यानी आप जो भी चीज़ गूगल के अंदर सर्च करते हैं वो डायरेक्टली आप आपके फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं बिना व्हाट्सएप से बाहर गए हुए। अब दूसरी चीज़ इमोजीज, जो हम इमोजीज काम में लेते हैं, ये देखिए कई सारी जो हम इमोजीज काम में लेते हैं वो भी हम डायरेक्ट, जैसे कि मैंने इमोजीज लिखा यहाँ पे, लिखा इसको इमोजी, जब मैं इमोजी पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये देखिए कई सारी इमोजीज यहाँ पे, फिर मैं ये इस पे क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए कई सारी इमोजीज मेरे सामने आ गई है, यानी बहुत ही एक्स्ट्रा। इसके अलावा मैं यहाँ, मैंने यहाँ इमोजीज पे क्लिक किया तो ये देखिए जो हमारी व्हाट्सएप के अंदर होती थी उससे भी कहीं ज़्यादा इमोजीज ये मेरे सामने मेरे पास आ गई हैं, उससे भी एक्स्ट्रा और एडवांस। तो इस तरह से आप इमोजीज भी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर मैं बैक आ जाता हूँ, इससे इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप करने के लिए आप डायरेक्ट हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अभी ये हमारी लैंग्वेज किस में, इंग्लिश में है, मैं कोई भी चीज़ टाइप करूँगा, ये देखिए इंग्लिश में टाइप हो रही है, अब मैं चाहता हूँ ये हिंदी में टाइप हो तो हमारे जो ये स्पेस बार जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसके बराबर ये ग्लोब का आइकन है, जब मैं इस ग्लोब के आइकन पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए अब मेरे स्पेस बार पर हिंदी इंग्लिश आ चुका है, मैंने लिखा यहाँ पर नाजिम, तो नीचे ऑप्शन मैगजिम नहीं, मुझे नाजिम लिखना था मेरा नाम, एन 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 ए जेड आई एम, आप नीचे ये देखेंगे, देखिए नाजिम, तो आप इस तरह से ये डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप अब किसी को आप गुड मॉर्निंग की इमेजेस सेंड करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करें गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग की यहाँ पे सर्च नहीं करना दोस्तों, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है, ये गूगल आया, अब ये देखिए गुड मॉर्निंग, आप डायरेक्ट यहाँ से गुड मॉर्निंग के लिए इमेज टैप किया और डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, आपको गूगल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस फीचर्स गूगल कीबोर्ड का, जी बोर्ड, गूगल कीबोर्ड और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके हम सबसे एडवांस टाइपिंग कर सकते हैं। और दूसरों इसमें एक और फंक्शन होता है कि आप बोलकर भी डायरेक्ट, ये जो गूगल के लास्ट में जो माइक है इस माइक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बोलकर भी आप हिंदी में टाइप करना चाहें हिंदी में ऑटोमेटिकली खुद खुद टाइप हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।